हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पानी पीना अच्छी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। हमको ना सिर्फ पानी कितना पीना है इस पर नज़र रखनी है, बल्कि पानी पीने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। हम अक्सर उस वक्त ध्यान नहीं देते जब हमारे बड़े बुजुर्ग हमें खड़े होकर पानी पीने से लगातार रोकते हैं। हमें तो बस अपनी प्यास बुझानी होती है। पानी का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको ठीक से पानी पीने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे खड़े होकर पानी पीने के नुकसान, पानी पीने का सही तरीका और इसके फायदे। अगर आप हर बार खड़े होकर पानी पीते हैं तो कुछ समय बाद आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी और मसल्स टेंशन के स्टेट में होते हैं, नसें तनाव में आ जाती हैं, जिससे पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारा पेट ठीक से अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और हाजिमे में भी दिक्कत होती है। जब आप खड़े होकर तेजी से पानी पीते हैं तो आपके पेट पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पेट में मौजूद एसिड्स ऊपर की ओर बहता है और आपके सीने में जलन महसूस होती है। ना सिर्फ ये, इस तरह पानी पीने से ये पानी आपके पेट में मौजूद एसिड्स को कम करने में मदद नहीं कर पाता। खड़े होकर पानी पीने से पानी का बहाव तेज होता है, जो आपकी बॉडी के थ्रू नीचे जोड़ों में जमा होता है और बाद में आपकी बढ़ती उम्र में आर्थराइटिस, घुटनों और जोड़ों का दर्द का कारण बन सकता है। खड़े होकर पानी पीने से आपकी किडनी पानी को ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और इम्प्योरिटीज ब्लैडर में रह जाती हैं, जो बाद में किडनी को नुकसान पहुंचा सकती हैं और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का कारण बन सकती हैं। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी बहुत तेजी से हमारी बॉडी में जाता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल डिस्टर्ब होता है, जो हमारे लंग्स और हार्ट का काम जोखिम में डालता है। पानी पीने का सही तरीका बैठकर पानी के छोटे छोटे घूंट लेना है। बैठने से क्या होगा? बैठने से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, पानी के न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में ठीक से अब्सॉर्ब होंगे, आपके हाजिमे में सुधार होगा और आप फुला फुला महसूस नहीं करेंगे। बैठकर पानी के छोटे छोटे घूंट लेने से आपके पेट का एसिड लेवल मेंटेन रखने में मदद मिलती है। बैठने के दौरान हमारी किडनी बेहतर तरीके से फिल्टर करती है। बैठकर पानी पीते वक्त अपनी पीठ को सीधी रखें, इस तरह न्यूट्रिएंट्स ब्रेन तक पहुंचते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को इम्प्रूव करते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए आपको बैठकर पानी पीना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या ये कारण अभी आपके पानी पीने की आदतों को बदलने के लिए काफ़ी नहीं है? फिट बॉडी को बनाए रखने के लिए अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, इसलिए ज़्यादा मत सोचिए और पानी का एक घूंट लेने से पहले बैठ जाइए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया, तो ज़रूर इसको लाइक करें, दूसरों में शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।